ईडी की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी की तरफ से दर्ज केस की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है, गिरफ्तारी के समय सिर्फ उसकी वजह बता देना काफी है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कुल 242 याचिकाओं का निपटारा किया। इन याचिकाओं में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इन प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया गया था। कहा गया कि इस कानून में गलत तरीके से गिरफ्तारी होती है, अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए हैं, ईडी अपनी तरफ से दर्ज केस की कॉपी आरोपी को नहीं देती, वे पुलिस या सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में अपनी तरफ से पीएमएलए का केस दर्ज कर लेती है, आरोपी को समन भेजकर बयान दर्ज कर लेती है, उस बयान को भी बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है। ये सीआरपीसी के उस नियम के विरुद्ध है जहां पुलिस को दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत अधिकतम सजा तो 7 साल की होती है, लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जमानत पाना बहुत कठिन रह गया है। इसमें मजिस्ट्रेट को तथ्यों पर सीधे संज्ञान लेकर जमानत का अधिकार नहीं दिया गया है। मामले के शुरुआती चरण में ईडी छापे मारती है, संपत्ति जब्त कर लेती है। ये सभी प्रावधान गलत है। अब थोड़ा एनडीए वर्सेस यूपीए के राज में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीए के मुकाबले एनडीए के राज में 2700% ज्यादा रेड हुई, 1859% ज्यादा संपत्ति जब्त हुई, 854% ज्यादा अभियोजन की शिकायतें दर्ज हुई। एनडीए के शासन में 23 दोषी हुए, जबकि यूपीए में ये नंबर 0 था। एनडीए के शासन में 869 करोड़ जब्त हुए, जबकि यूपीए में भी ये नंबर 0 था। आज की बात पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पीएमएलए एक्ट की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करना, धारा 5 संपत्ति की जब्ती, धारा 17 और धारा 18 छापा मारना, धारा 19 गिरफ्तारी, धारा 24 आरोपी के लिए अपनी बेगुनाही का सबूत देना, धारा 45 जमानत की कड़ी प्रक्रिया और धारा 50 ईडी को मिली समन भेजने और बयान दर्ज करने की शक्ति को सही ठहराया है। याचिकाकर्ताओं ने 2018 में पीएमएलए कानून में फाइनेंस बिल के जरिए कुछ बदलाव किए जाने की भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह मसला 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। आधार एक्ट में इसी के तहत किए बदलाव का मसला 7 जजों की बेंच के पास लंबित है, इसे भी उसके साथ सुना जाएगा। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी, सीटी रवि कुमार की बेंच ने कानून में फाइनेंस बिल एक्ट के जरिए किए गए बदलाव का मसला 7 जजों की बेंच को भेज दिया है, लेकिन इसका ईडी की तरफ से दर्ज मुकदमों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन लोगों को मामले की सुनवाई के दौरान कोई अंतरिम राहत मिली थी, वे सिर्फ 4 हफ्ते तक जारी रहेगी। उसके बाद सभी याचिकाकर्ता उचित फोरम में जमानत या दूसरी किसी राहत का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।